तीन फार्मूलों पे बेस सवाल करेंगे। पहला फार्मूला है साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कितना होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। एंड टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा। ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 साइन 10 साइन 20 साइन 30 डॉट डॉट साइन 90। इसमें अगर हम 2 साइन 10 फिर साइन 50 साइन 70 एक साथ ले लें, फिर आगे बचा साइन 20 साइन 40 एंड साइन 80 एक साथ ले लें, बाकी जो बचा साइन 30 साइन 60 और साइन 90, ये हमारा फार्मूले पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा थीटा, ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा। सिमिलरली ये भी थीटा, ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 1/4 साइन 30 डिग्री, ये 1/4 साइन 60 डिग्री। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20 × 3 60 डिग्री, 10 × 3 30 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री हमारा हो गया 1/2, साइन 60 डिग्री हमारा हो गया √3/2 इंटू साइन 91। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू 1/4 बाहर और इस 2 से 2 काट दें तो ये हो गया हमारा 1/8, ये हो गया 1/2 √3/2 इंटू 1/2 √3/2। तो ये 8 × 16 2 × 32 2 × 64 ये हमारा कितना आ गया, ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया 3/128 ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखें, ये अगर थीटा माने, ये 60 माइनस थीटा हो गया और ये 60 प्लस थीटा हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/4 कॉस 20 × 3 और ये बचा हमारा कॉस 60, 2 − 1/4 इंटू 1/2 × 1/2 क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ से भी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 − 1/16 ये हो गया 31/16 ये हो गया हमारा आंसर। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, 10 6 10 42 10 66 10 78। इसमें अगर हम 6 देखें, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये हो गया हमारा 60 प्लस थीटा, तो हमें चाहिए 60 माइनस थीटा जो कि इसमें नहीं है। तो हम ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे, 10 54 से मल्टीप्लाई करा देंगे और डिवाइड करा देंगे, तो हमारा ये और ये मिलके बना देगा 10 6 10 54 और 10 66, ये हमारा एक साथ हो गया और बचा क्या हमारे पास 10 42 10 78 अपॉन 10 54। अब ये हमारे फॉर्मूले पे हम रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 18 10 42 10 78 और ये हमारा हो गया 10 54। अब फिर से हम देख रहे हैं कि ये कितने कौन सी, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा 60 माइनस थीटा हो गया और ये हमारा 60 प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 10 54 अपॉन 10 54 इक्वल टू 1 इसका। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम इसको थीटा मानते हैं और ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या नहीं है इस क्वेश्चन में, 60 प्लस थीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 60 प्लस थीटा, तो 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 72, तो साइन 72 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इस फार्मूले, अगर इसको इसको और इसको फार्मूले पर रखें तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 36 इंटू, यहाँ क्या बचा हमारे पास साइन 54 अपॉन साइन 72। अब हम देख रहे हैं अगर हम इसको साइन 54 को बदल दें, साइन 90 माइनस ये हो जाएगा हमारा कॉस साइन 90 − 36, ये हमारा हो गया 1/4 साइन 36 इंटू कॉस 36 अपॉन साइन 72। अगर हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से नीचे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 72 अपॉन साइन 72
1/8, यहाँ से ये कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1/8।